हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास पार्ट टू यूजी क्लास। हम बता रहे थे पहले, कल तक जो बताया वो कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स से अपने यहाँ यानी बिहार यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आता है, माने दो क्वेश्चन आता है, एक लिखना रहता है। और ये आप जो पढ़ा रहे हैं वो ग्रुप बी है, पार्ट टू के लड़कों का थर्ड पेपर। दो पेपर फर्स्ट पार्ट में होता है, दो सेकेंड पार्ट में। ये थर्ड पेपर का ग्रुप बी जो जिस पर लिखा है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का ये चैप्टर है। तो ऑप्टिक्स में दो ग्रुप था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन आता है, एक का जवाब देना है। दोनों क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए, फरमाट्स प्रिंसिपल एंड कार्डिनल पॉइंट्स। इसी से तीन चार क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन इम्तहान में आता है, एक का जवाब देना है। और ये फिजिकल ऑप्टिक्स से है। इस फिजिकल ऑप्टिक्स में तीन चैप्टर है मेनली, और उसके बाद एक लास्ट में लेज़र भी है चौथा। तो तीन चैप्टर में इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। क्या क्या पढ़ना? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। और फिर उसका सिलेबस है, हम सिलेबस पूरा नहीं लिख रहे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन वो लेज़र से भी आता है, लेज़र नहीं। तो अभी हम लोगों का जो, और इसमें आठ क्वेश्चन पूछता है, छः क्वेश्चन इसमें पूछता है। 6 × 2 = 8 हो गया। और वो फिर ग्रुप बी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उससे क्वेश्चन पूछता। तो हम कह ही रहे थे कि साहब वो इंटरफेरेंस क्या है, व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज कॉमन फेनोमेनन टू लाइट एंड साउंड बोथ। जहाँ कहीं भी, वेयर एवर देयर इज वी टॉक ऑफ वेव, वेयर एवर वी टॉक ऑफ वेव, देयर मे बी डिफ्रैक्शन, देयर मे बी पोलराइजेशन, देयर मे बी इंटरफेरेंस। ये तीनों जो है ये वेव फेनोमेना है, वेव से रिलेटेड घटनाएँ हैं। इंटरफेरेंस भी, डिफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी, नॉट लेज़र, लेज़र इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये पढ़ना है। और इंटरफेरेंस पहले है, कहीं भी किसी किताब में देखोगे, एनी वेयर यू विल फाइंड, पहले होगा इंटरफेरेंस एंड देन डिफ्रैक्शन देन पोलराइजेशन, सिस्टमेटिक वे में। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, 12th क्लास में भी पढ़ाई होती, और यहाँ तो इंटरफेरेंस में थोड़ा ऊपर की बात पढ़ाई होगी। 12th क्लास में पढ़ाई होती है कि दो वेव हो, दो वेव, वेव जहाँ होता है वेव का इक्वेशन होता है, वाई बराबर इस तरह से, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस डेल्टा, इस तरह से करके इक्वेशन होता है। अब इसमें वाई की जगह पर कुछ हो सकता है, ए की जगह पर कुछ हो सकता है, साइन की जगह पर कहीं कहीं कॉस भी रहता है, लेकिन टेन नहीं रहेगा, कॉट नहीं रहेगा। साइन और कॉस दो ही फंक्शन ऐसा है जो सिंपल हार्मोनिकली बदलता है, जिसका ग्राफ ऐसा 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 ग्राफ होता है, माने वेव ही ग्राफ। ये साइन का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है, लाइक दिस, ये भी होता है। थोड़ा सा फ़र्क है, ये स्टार्ट यहाँ से होता है और ये स्टार्ट यहाँ से होता है, बस इतना ही फ़र्क। तो ये साइन कर्व है, ये दिस इज साइन कर्व है ये, और ये कोसाइन कर्व है, ये कोसाइन का कर्व है। तो इसको भी याद रखना चाहिए, दिस इज़ वेव ही, इसमें टैन नहीं होगा, कॉट नहीं होगा, सेक नहीं होगा, कोसेक नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस जो है दो वेव का ओवरलैप है, दो वेव का सुपरपोजिशन है। अब वेव जहाँ होता है, वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टी, वेव का जो कांस्टेंट्स है, वो वेव की फ्रीक्वेंसी है, वेव का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को हर जगह लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, लैम्डा वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं कहीं पर एन से, कहीं पर न्यू से, कहीं पर छोटा एफ से। ये फ्रीक्वेंसी का निशान है, फ्रीक्वेंसी का निशान, फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ वेव लेंथ। किताब में, किसी किताब में यू कैन फाइंड इट, किसी भी बुक्स में। तो हम कह रहे थे कि साहब दो वेव, और दो वेव ऐसा वेव जिस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, वेव से रिलेटेड जो टर्म्स है ना, वो वेव से रिलेटेड टर्म्स है एम्पलीट्यूड, वेव से रिलेटेड टर्म है फ्रीक्वेंसी, वेव से रिलेटेड टर्म है वेव लेंथ, वेव से रिलेटेड में फेज डिफरेंस। ये चार चीज़ तो याद रखनी चाहिए। टर्म्स रिलेटेड विथ वेव आर
एम्पलीट्यूड, यहाँ जो हमने लिखा ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड, नहीं ए वहाँ एक नहीं लिखा रहेगा, कहीं बी लिखा रहे, कहीं सी लिखा रहे, कहीं एक्स लिखा रहे, कहीं वाई रहे, जेड रहे, एनीथिंग में भी निशान कुछ भी हो सकता है। ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये ओमेगा बराबर 2πn होता है, जो हमने यहाँ n लिखा है, 2πn होगा या 2πν होगा या 2πf होगा, ऐसे लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का ये तीन निशान एफ न्यू एन हुआ करता है। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि साहब पढ़ना है अपने लोगों को। पहला क्वेश्चन पढ़ना है इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स, और फिर इंटरफेरेंस फ्रॉम माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरेंस फ्रॉम फैब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरेंस फ्रॉम एलजी प्लेट, लूमर गेरक प्लेट कहलाता है, इंटरफेरेंस फ्रॉम न्यूटन रिंग। ये बहुत जगह इंटरफेरेंस का से रिलेटेड फिनोमेना। इंटरफेरेंस का चैप्टर इज लंबा चौड़ा। अब उसमें से जो क्वेश्चन है अपने लोगों को वो क्वेश्चन पढ़ना, देन मैंने जो सिलेबस है सिलेबस के मुताबिक सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, जितना पढ़ना उतना पढ़ाएंगे हम। अभी जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विद द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, के व्हाट इज इंटरफेरेंस। हाँ, वेव रिलेटेड फिनोमेना हमने कहा आर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बट स्टार्टिंग फिनोमेनन इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस ऐसा दो वेव का ओवरलैप होता है, दो वेव का ओवरलैप, जिस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हमने ए से लिखा है, मे बी देयर बी सी डी एक्स वाई जेड एनीथिंग मे बी, तो ऐसा दो वेव जिस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर हो या करीब करीब बराबर हो, ऐसा दो वेव जिस दो वेव के बीच का एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर हो या करीब करीब बराबर हो, और ऐसा दो वेव जिस दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बराबर हो। फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा है, ओमेगा माने 2πf होगा, ओमेगा माने 2πn होगा, ओमेगा माने 2πν होगा। फ्रीक्वेंसी को कहीं ओमेगा इससे छोटा एफ से, छोटा न्यू से, न्यू से न्यू का निशान, या छोटा एन से इंडिकेट करते हैं। देन वाई बराबर हमने लिखा, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये टी इज इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस समय की बात कर रहे हैं वहाँ टी। ओमेगा को कहीं पर लिखा होता है ओमेगा बराबर कहीं 2π बटे बड़ा टी भी लिखा होता है। बड़ा टी इज टाइम पीरियड एंड बड़ा टी का उल्टा इज फ्रीक्वेंसी, बड़ा टी 1/T इज एन या एफ या न्यू, तो बड़ा टी इज कॉन्स्टेंट, बड़ा टी इज टाइम पीरियड, बड़ा टी इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक वेव बनने में जितना समय लगता है इतना टाइम, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा टी होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा बड़ा टी होगा, फिर एंड सो ऑन सो ऑन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जहाँ से चला फिर उसी हालत में आना, दिस इज बड़ा टी, इसमें टाइम लगेगा, देन दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। वेव समझना चाहिए, वेव चूँकि देखने की चीज़ नहीं है, कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन वेव हर जगह है और सारा वेव का तमाशा है। हम लोग रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न सुनते हैं, सब वेव से सुनते हैं, और लाइट है, लाइट वेव है, साउंड है, हम जो बोल रहे हैं वो वेव है, वेव ही है, और सबका इक्वेशन वैसा है। हम कह रहे थे कि इंटरफेरेंस दो वेव का सुपरपोजिशन है, दो वेव का ओवरलैप है, और ऐसे दो वेव का ओवरलैप जिस दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो। एम्पलीट्यूड को हमने इससे बताया, इस निशान से, ए से बी से, लेकिन एम्पलीट्यूड ऐसे समझिए, ये वेव ऐसा है, ये वेव ऐसा भी हो सकता था, बड़ा वेव हो सकता था, दिस 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 लाइक दिस। अब इसका एम्पलीट्यूड इज लार्ज, इसका एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, वेव ऐसा भी हो सकता था, दिस 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 लाइक दिस, ये भी इसका एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। तो वेव ऐसा है, ऐसा वेव हो जिस दोनों, दो वेव ऐसा हो जिस दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, पूरा पूरा बराबर हो, नहीं तो करीब करीब बराबर हो, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने एक ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन होता है, यहाँ दो ऑसिलेशन हुआ, इस फिगर में अढ़ाई ऑसिलेशन ये हो गया, इस फिगर में ये एक ऑसिलेशन है, यहाँ पर एक ऑसिलेशन हुआ, यहाँ दो ऑसिलेशन हुआ, यहाँ आधा से ज़्यादा हो गया, 0.1 हो गया, यानी 0.75 हो गया, तो ये 0.3 ऑसिलेशन हुआ, एंड सो सो थोड़ा सा उसमें कम है। तो एक ऑसिलेशन में कह रहे थे कि ऐसा दो वेव जिस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर हो, जिस दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी माने बड़ा टी बड़ा छोटा एफ छोटा न्यू यानी टाइम पीरियड ये है डेफिनेटली बराबर हो, और दोनों वेव के बीच ये जो हमने लिखा है डेल्टा,
दिस में भी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री या लैम्डा के टर्म में भी कुछ लिख सकते हैं। ये फेज डिफरेंस कहलाता है। फेज डिफरेंस दो वेव के बीच जितना हो, अगर 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, एक इक्वेशन है वाई बराबर है साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, एक है एक इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, मीनिंग देयर बाय के 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, उसको पाई बाई थ्री लिखेंगे। 60 डिग्री अगर लिखना हो, 45 डिग्री लिखना हो तो उसको पाई बाई फोर लिखेंगे, 90 डिग्री लिखना हो तो उसको पाई बाई टू लिखेंगे पूरा, और 360 डिग्री नहीं करेंगे, 0 और 360 के बीच ही होता है। 360 डिग्री का फेज डिफरेंस माने नो फेज डिफरेंस, बिकॉज के 360 डिग्री के बाद चीज़ एक चक्कर पूरा कर लेती है, फिर वैसे ही हालत में आ जाती है। हालत फेज कहते हैं हालत को, किस हालत में वेव है। तो आई वाज सेइंग के ऐसा दो वेव जिस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड या तो एम्पलीट्यूड दिस बिल्कुल बराबर हो, नहीं तो करीब करीब बराबर हो, ऐसा दो वेव जिस दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली बराबर हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड भी, 2π/T हमने लिखा यहाँ, या फिर वो बराबर हो, और ये छोटा टी इज इंस्टेंटेनियस टाइम, दिस इज़ वेरिएबल, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा घड़ी देखेंगे वैसे वैसे ये टी बदलेगा। एंड डेल्टा इज फेज डिफरेंस, डेल्टा इज फेज डिफरेंस, फेज हमने बताया एक हालत में होना। अब ये इस कलम को हम ऐसे रख दें, ऐसे देखिए ये एक फेज में है, लेकिन अगर हम ऐसे कर दें तो ये 180 डिग्री का ये फेज डिफरेंस हो गया, दे आर इन अपोजिट फेज, 180 डिग्री का फेज। अब फिर इसको घुमा के हम ऐसे कर दें, फिर 360 डिग्री से घूम गया तो ये एक फेज में हो गया। देन फेज समझना चाहिए। तो ऐसा दो वेव जिस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर हो, ऐसा दो वेव बराबर हो या करीब करीब बराबर हो, एग्जैक्ट बराबर होना ज़रूरी नहीं है, एग्जैक्ट हो तो और अच्छा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम हो, और ये फेज डिफरेंस डेल्टा जो है ये चाहे कुछ भी हो, 2π का फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए कि 2π का होने का मतलब फिर वही वैल्यू आ जाएगा सेम, नहीं साइन 60 डिग्री जितना होता है, साइन 360 प्लस 60 माने 420 डिग्री उतने होते हैं, साइन 90 डिग्री जितना होगा, साइन 360 प्लस 90 माने 450 वो उतना ही होगा। तो ऐसी हालत में डेल्टा का मान जो भी हो समय के साथ बदले नहीं, कांस्टेंट हो। ऐसा दो वेव अगर एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, ओवरलैप किधर से आवे किधर से आवे या ऐसे ही ओवरलैप करे, तो वैसी हालत में पर्दे पर, पर्दा माने, पर्दा माने अब वो चादर ही का पर्दा मत समझिए, पर्दा में भी आदमी, पर्दा में भी दीवार, पर्दा में भी कुछ, पर्दा माने जहाँ एनर्जी पड़ती है जाके, उसको स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन पर अल्टरनेटली मैक्सिमा मिनिमा बात बनेगा, यानी हर मैक्सिमम के बाद मिनिमम, मिनिमम के बाद मैक्सिमम, कहिए क्या उन चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम, एनर्जी का मैक्सिमम मिनिमम। जहाँ मैक्सिमा हम बोलें तो समझना चाहिए कि वहाँ एनर्जी बहुत, मिनिमा बोलें तो समझना चाहिए वहाँ एनर्जी बहुत कम, कम भी हो सकता है ज़ीरो भी हो सकता है। तो ऐसी हालत में एनर्जी का मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट माने एक जगह अंधेरा होगा फिर उजाला, फिर अंधेरा फिर उजाला, फिर अंधेरा फिर उजाला, इस तरह का एक क्रम होगा स्क्रीन पर। या अगर आवाज़ की बात करें, साउंड भी वेव है, तो आवाज़ कान में सुनाई देगी कुछ देर तक, 10 मिनट तक सुनाई देगी, 10 मिनट नहीं सुनाई देगी, फिर 10 मिनट सुनाई देगी, फिर 10 मिनट नहीं देगी, ऐसी घटना, ऐसा फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब लोग पूछेंगे व्हाट इज़ इंटरफेरेंस, तो जवाब इज सिंपल बिल्कुल, कहिएगा इंटरफेरेंस इज ओवरलैप ऑफ टू वेव्स, वेव्स में भी साउंड वेव, वेव में भी लाइट वेव, वेव में भी एक्सरे, वेव में भी गामा रे, वेव में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव में भी अल्ट्रासोनिक्स वेव, कोई वेव, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम या नियरली सेम एम्पलीट्यूड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, बाय सेम फ्रीक्वेंसी वी मीन सेम वेवलेंथ, जब फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो वेवलेंथ भी बराबर होगा, एंड ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इस टी को हम नहीं बोल रहे बिकॉज के ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, जिस टाइम में 10 बजे 12 बजे, दिस इज़ वेरिएबल, लगातार टाइम, टाइम हमेशा बदलता है, टाइम को नो वन कैन स्टॉप, टाइम को रोक नहीं सकता, इसलिए मैथमेटिक्स में dt बराबर हमेशा 0 होता, माने टाइम में चेंज ये
लोग कहे कि साहब वो डी टी ज़ीरो नहीं होता कभी, डी टी ज़ीरो टाइम में चेंज ज़ीरो नहीं होता, याद रखना चाहिए टाइम में चेंज ज़ीरो कभी नहीं होता, टाइम हमेशा बदलता है, टाइम इज़ ऑल्सो ऑलवेज वेरिएबल। तो हम कह रहे थे कि साहब इंटरफेरेंस ऐसा वेव है, ऐसा ऐसी घटना है, ऐसा वेव रिलेटेड फेनोमेना है, जहाँ जब दो वेव, ऐसा दो वेव जिस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर हो, जिस दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी करीब करीब बराबर हो, जिस दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, माने टाइम के साथ नहीं बदले, ऐसा दो वेव जब ओवरलैप करता है, देन एनर्जी का मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेटली अकर, माने होता है नहीं होता है, नहीं होता है नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे ही जैसा दो आदमी बोले, एक तरफ घूम के बोले, जो ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, और दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, माने हम जितना ज़ोर से बोलें उतना ही ज़ोर से वो बोले, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, जो दोनों दो बोलने वाले आदमी की फ्रीक्वेंसी बराबर हो ही नहीं सकती, लेकिन हम समझाने के लिए कह रहे हैं दूसरी जगह पर यह होगा, दो टॉर्च से हम ऐसा लाइट निकाल सकते जहाँ दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो। फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है इस पर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर देखिएगा, अपने यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है लिखा रहता है 50 हर्ट्ज़, बराबर है, सबका बराबर है, होगा, लेकिन आवाज़ में यह बात नहीं होनी, दो आदमी की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होती, याद रखिएगा 11वां क्लास में पढ़ाई होती है, उसको पिच कहते हैं, दो आदमी का पिच बराबर नहीं होता, लाउडनेस बराबर हो सकता है लेकिन पिच नहीं बराबर हो। एनीवे, देन हम कह रहे थे यहाँ कि साहब ऐसा दो वेव जिस दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, एम्पलीट्यूड करीब करीब बराबर हो, नहीं तो एग्जैक्टली बराबर हो, फेज डिफरेंस या तो ज़ीरो हो या कुछ हो तो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब कि फेज डिफरेंस शुड नॉट चेंज विथ टाइम। फेज डिफरेंस मे बी मे नॉट बी, डेल्टा, यहाँ हमने लिखा डेल्टा इज़ फेज डिफरेंस, डेल्टा मे अकर समीकरण में, डेल्टा मे नॉट अकर, ये नहीं हो सकता, हो भी सकता, लेकिन अगर है डेल्टा देन इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, दैट इज इट शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है देन दोनों वेव के ओवरलैप से कहीं पर एनर्जी खूब होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं खूब होगी, कहीं नहीं होगी। एनर्जी में भी साउंड, एनर्जी में भी लाइट, एनर्जी में भी हीट, एनर्जी में भी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी में भी एक्सरे, गामा, एनीथिंग, एनर्जी विल बी मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम का एक पैटर्न होगा। इस घटना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। इफ समवन आस्क्स टू डिफाइन इंटरफेरेंस, तो आई मे राइट एंड आई विल राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम लिखाएंगे, लेकिन पहले हम बता देते कि इंटरफेरेंस इज फेनोमेनन वेयर टू वेव्स, दो वेव्स, अब आई एम नॉट सेइंग साउंड वेव्स, लाइट वेव, हीट वेव, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, नो, एनी वेव, वेयर टू वेव्स ऑफ सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चले, ऐसे नहीं किए कि उधर से आए किधर से, नहीं, इंटरफेयर करता है, व्हेन दे इंटरफेयर, व्हेन दे मीट, इस तरह से के मुलाकात होती है, जब इस दो ऐसे दो वेव का सुपरपोजिशन होता है, देन ए पैटर्न ऑफ पैटर्न, पैटर्न समझते हैं ना किसी भी चीज़ का, ए पैटर्न ऑफ मैक्सिमा, ए पैटर्न ऑफ अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा आकर, अल्टरनेट मैक्सिमा माने एक बार बहुत आवाज़ होगी, फिर नहीं होगी, फिर बहुत, फिर नहीं, फिर बहुत, फिर नहीं, हर बहुत के बाद नहीं, हर नहीं के बाद बहुत, हर मैक्सिमम के बाद मिनिमम, हर मिनिमम के बाद मैक्सिमम, ऐसी घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। नहीं, अब लोग पूछे कि इंटरफेरेंस की का डेफिनेशन सही सही दे ही दीजिए, हालांकि 12वां क्लास में पढ़ाई हुई है और ये सब पढ़ाई हुई है कि इंटरफेरेंस में कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा, और इंटरफेरेंस में कितना दूर मैक्सिमम होगा, कितना दूर मिनिमम होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, सारी बात पढ़ाई जा चुकी है 12वां क्लास में। लेकिन हम ये समझते हैं कि सब लड़के कम पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में वहाँ 12वां क्लास में पढ़ाई होती है, और ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन पूछता है छोटा मोटा, इसीलिए लड़के अवॉइड करते हैं उसको, खाली लेंस और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और डिस्पर्शन और डेविएशन पढ़ते हैं।
तो इसीलिए, लेकिन अब यहाँ हम तो वो पूरा बता नहीं सकते, जितना बता रहे याद रखिए कि साहब वो इंटरफेरेंस इज़, बार बार बोल रहे, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, नहीं, व्हेन मीट माने जब मिलते है ऐसा दो वेव, देन ए पैटर्न ऑफ अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स, नहीं, पैटर्न ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज इंटरफेरेंस। अगेन आई मे डिफाइन इंटरफेरेंस कि इंटरफेरेंस इज फेनोमेना वेयर ए पैटर्न ऑफ अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, ड्यू टू ओवरलैप ऑफ, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड, ऑफ सेम वेवलेंथ, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। बाय कॉन्स्टेंट वी मीन नॉट सेम, कॉन्स्टेंट का मतलब जितना फेज डिफरेंस है उतने रहे, नहीं, एंड व्हेन दे अकर वी गेट ए पैटर्न ऑफ अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा। आपको ऐसा नहीं होगा जैसा हम बता रहे हैं, लेकिन अगर यही दो लेज़र का टॉर्च रहे, मान लीजिए ये दो टॉर्च है, दोनों टॉर्च से लाइट जलाएं, दोनों टॉर्च से निकलने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी बराबर हो, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, वेवलेंथ बराबर हो, तो पर्दे पर यानी दीवार पर लाइट जो पड़ेगा वो होना चाहिए कि सब पूरा उजाला होता खूब, लेकिन अगर ऐसा हो तो उजाला अंधेरा, उजाला अंधेरा, उजाला अंधेरा का एक पैटर्न आप देखिएगा, एंड दिस इज़ ड्यू टू इंटरफेरेंस। अब आप कहिए कि आज हम टॉर्च जला के देखेंगे और देखेंगे तो नहीं मिलेगा ऐसा, नहीं इसलिए मिलेगा कि जो शर्त हम बता रहे हैं वो शर्त पूरी नहीं हो रही। अगर भाई लेज़र का टॉर्च जला के देखिए तो मिलेगा, यू विल फाइंड अंधेरा उजाला अंधेरा उजाला, दिस घटना इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। अपने लोगों को यहाँ इंटरफेरेंस में जो पढ़ना है, अच्छा इसमें एक बात और हम बताते हैं, एक दो बात याद रखिएगा कि साहब वो उजाला अंधेरा, उजाला अंधेरा का हमने कहा गैप होगा, यहाँ अंधेरा हो गया, फिर यहाँ बीच में उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, एंड दस 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 गैप होगा। तो यह उजाला अंधेरा का जो गैप हो, कहाँ उजाला होगा, कहाँ अंधेरा होगा, तो याद रखिएगा कि हर उस जगह पर उजाला होगा, हर उस जगह पर उजाला होगा जहाँ दोनों वेव के बीच का फेज़ डिफरेंस, फेज़ डिफरेंस को हम डेल्टा से इंडिकेट किया करते, दोनों वेव के बीच का फेज़ डिफरेंस हम बता देते एन इंटू टू पाई हो, वेयर एन बराबर, जहाँ एन बराबर हो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डॉट डॉट, लिखा भी देंगे हम, लिखा भी देंगे, लेकिन पहले याद रखिए एट ऑल दोज पॉइंट्स ऑन ए स्क्रीन देर विल बी मैक्सिमा ऑफ वेव, देर विल बी मैक्सिमा ऑफ एनर्जी, देर विल बी मैक्सिमम लाइट, देर विल बी मैक्सिमम साउंड, वेयर फेज डिफरेंस डेल्टा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई। या पाथ डिफरेंस अगर है, पाथ डिफरेंस को हम एक्स से इंडिकेट करते, वेयर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा इज वेव लेंथ एंड एन माने जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, एन इज इंटीग्रल नंबर है, थ्री फोर फाइव डॉट 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 एनीथिंग। ये दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा, दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम साउंड, मैक्सिमम लाइट फाउंड ड्यू टू इंटरफेरेंस। एट ऑल दोज पॉइंट्स ऑन ए स्क्रीन देर विल बी मैक्सिमा ऑफ साउंड, देर विल बी मैक्सिमा ऑफ लाइट, देर विल बी मैक्सिमा ऑफ एनर्जी, वेयर फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर एन इंटू टू पाई, वेयर एन इज इंटीग्रल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड ये टू पाई इज टू पाई, टू पाई का फेज डिफरेंस माने 360 डिग्री का पाई, और पाई मीन्स नॉट 22/7 यू राइट, नहीं पाई मीन्स 360 डिग्री, पाई माने 180 डिग्री, टू पाई मीन्स 360, पाई मीन्स 180 डिग्री, दिस इज एंगल, डेल्टा एंगल के टर्म में। और यहाँ नहीं तो ये एक्स को जो हमने लिखा, एक्स इज पाथ डिफरेंस, रास्ते का अंतर, कोई 5 किलोमीटर चला, कोई 7 किलोमीटर चला, देन रास्ते का अंतर इज 2 किलोमीटर, देन यहाँ हेयर एक्स इज रास्ते का फर्क, इन इंग्लिश हवाई से पाथ डिफरेंस, दिस शुड बी एन लेमडा, एन लेमडा, एन इज ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव है ये एन। तो दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी एंड दीज थिंग्स आई हैव बीन मैथमेटिकली प्रूव्ड इन 12वां क्लास विच वी विल नॉट डू, वी विल हैव टू गो फर्दर, उसके आगे की बात करनी है, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स पढ़ना, इंटरफेरेंस फ्रॉम माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फैब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर, जी एच प्लेट, न्यूटन्स रिंग, सो मैनी डिवाइसेज।
तो ये सब पढ़ना है अपने लोगों इंटरफेरेंस में चार पांच जगह। अब ये जो हम बता रहे हैं ये बारहवां की बात, ताकि वो बात आगे पढ़ा सकें। अब कल हम इंटरफेरेंस न्यूटन रिंग से या पहले थिन फिल्म से पढ़ा देंगे, उसके बाद देन पहले थिन फिल्म से ही पढ़ाएंगे, देन वो माइकलसन फैब्री पेरोट एल जी प्लेट सब हो। देन हम कह रहे थे कि दिस इज़ कंडीशन फॉर मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी, एंड सिमिलरली हर उस जगह अंधेरा होगा, हर उस जगह आवाज़ नहीं सुनाई देगी, माने हर उस जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जहाँ डेल्टा 2n+1π हो। 2n पर n का मान 0, 1, 2, 3 है, हमने लिखा है n का मान 0, 1, 2, 3 है। तो अगर 0 है तो 1π, अगर 1 यहाँ लिखेंगे तो 2 कहीं तो 1, 3π, 2 लिखेंगे तो 5π, 3 लिखेंगे तो 7π। जहाँ जहाँ ऐसा होगा वहाँ वहाँ अंधेरा होगा, वहाँ आवाज़ नहीं सुनाई देगी, वहाँ एनर्जी नहीं पहुँचेगी, उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऊपर वाले को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ होगा जहाँ डेल्टा बराबर 2n π, जहाँ एक्स माने पाथ डिफरेंस बराबर एन लेमडा, लेमडा इज वेवलेंथ, एन इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, डेल्टा इज फेज डिफरेंस, एंड हर उस जगह पर मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी होगा, यानी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, अंधेरा होगा, एनर्जी नहीं पहुँचेगी, जहाँ फेज डिफरेंस इज दिस मच, या पाथ डिफरेंस एक्स अगर कहें तो इसको लिखेंगे हम 2n+1 लैम्डा बाई 2। बिकॉज के याद रखना चाहिए 2π का फेज डिफरेंस, ये बराबर होता है लैम्डा का पाथ डिफरेंस, ये होता है बड़ा टी का टाइम डिफरेंस। तीन रिलेशन में आता है, दिस इज टाइम पीरियड, ये टाइम डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, ये 2π एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसीलिए हमने माइनस प्लस का निशान नहीं लगा। ऑलवेज रिमेंबर 2π का फेज डिफरेंस बराबर लैम्डा का पाथ डिफरेंस बराबर बड़ा टी का टाइम डिफरेंस। दिस फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस मे ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा टी टाइम डिफरेंस, वैसे भी लिख सकते। तो बात समझ में आई, दीज आर कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटरफेरेंस। और हम लोग साबित कर देंगे कि साहब हर उस जगह जहाँ पाथ डिफरेंस इतना हो इतना या फेज डिफरेंस इतना हो, देयर विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी। साबित कर देंगे, नहीं साबित किया हुआ इंटर के क्लास में, अब तो आगे इससे पढ़ना है, लेकिन ये फार्मूला हमेशा याद रखना। और ये कंडीशन जहाँ पूरा हो वहाँ देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब अंधेरा हो जाना, आवाज़ नहीं सुनाई देनी, एनर्जी वहाँ नहीं पहुँचनी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब खूब आवाज़ सुनाई देना, खूब एनर्जी पहुँचनी। इसके लिए शर्त यह है कि दोनों वेव, दोनों वेव एक तरह का हो, दोनों का एम्पलीट्यूड करीब करीब बराबर हो, दोनों एक ही वेव लेंथ एक ही फ्रीक्वेंसी का वेव हो। और एक वेव लेंथ एक फ्रीक्वेंसी के वेव को किताब में लिखा है मोनोक्रोमेटिक, दो मोनोक्रोमेटिक वेव होना चाहिए। मोनोक्रोम, क्रोम माने रंग होता है, मोनो माने एक होता है, हिंदी में कहते हैं उसको एक रंगा प्रकाश। मोनोक्रोमेटिक साउंड होगा, अब वहाँ साउंड में मोनोक्रोमेटिक नहीं बोल के भी इसे मोनोटोनिक, क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक साउंड। देन देयर मे बी मोनोटोनिक मोनोक्रोमेटिक जोश, ये सब शब्द है, यू विल फाइंड इन बुक्स अगर किताब पढ़ेंगे तो। एंड आज जो भी हमने पढ़ाया है ये जस्ट इंट्रोडक्शन टू वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में ये सारी बातें जो हमने बताई है हमेशा याद रखनी है, और उसके बाद फिर इंटरफेरेंस का बहुत सारा यूज़ है। वो देखा होगा कभी कभी पानी पर थोड़ा तेल डाल दीजिए तो वहाँ भी लाल पीला हरा होने लगता है, वहाँ भी इंटरफेरेंस की घटना है, देर इज़ ऑल्सो इंटरफेरेंस। तो उसको फिल्म कहते हैं, पतला फिल्म जो बनता है, हम लोग शुरू वहीं से करेंगे, थिन फिल्म से इंटरफेरेंस, एंड उसके बाद तब वो जो हमने नाम बताया साइंटिस्ट के नाम पर जो है माइकलसन और फैब्री पेरोट और एलजी प्लेट, ये सारा का सारा। देन आई थिंक आज की बात इतनी ही रखी जाए, थोड़ा याद रखिए, थोड़ा समझिए, आज का लेक्चर लेक्चर ही रहा, लिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन दीज कंडीशंस जो बोर्ड पर हमने लिखा है उसको थोड़ा समझिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो फिर पूछिएगा, और फिर जब हम कल बताएंगे तो वो सब बताएंगे। लेकिन ये कंडीशंस वी विल नॉट प्रूव बिकॉज के दीज हैव बीन प्रूव्ड इन 12वां क्लास, ये 12वां क्लास का सिलेबस है, हमने रिजल्ट बता दिया है, वो डेरिवेशन नहीं किया है, इस रिजल्ट को अब आगे के क्लास में यूज़ करना है, लेकिन बात सब इतनी ही होगी। ओके ठीक है, थैंक यू।